हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं शरद चौहान। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को आप विज़िट कीजिए, अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए और हमारे वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छे लगें तो आप उन्हें लाइक कीजिए। ओके, आज का हमारा वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाया है, जिसमें से हम 15 क्वेश्चन इससे पहले के पार्ट्स में आपके सामने रख चुके हैं। आज आपका इस चैप्टर 10 का सर्कल का पार्ट 3 और ये आपका लास्ट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इन दिस फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ए। इस सर्कल का सेंटर आप देख सकते हैं ए है। इफ एंगल क्यू पी ए इक्वल्स टू 27 डिग्री, एंगल क्यू पी ए, ये एंगल आपका 27 डिग्री गिवन है, देन एंगल क्यू ए आर विल बी इक्वल टू क्यू ए आर, दिस एंगल यू आर गोइंग टू फाइंड दैट, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए, आप ट्राइंगल ए क्यू पी को देखिए, ट्राइंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं तो एंगल क्यू आपका 90 डिग्री देखिए और एंगल पी आपका ये 27 डिग्री है। 180 माइनस 90 माइनस 27 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते ही आपको एंगल क्यू ए पी, ये एंगल क्यू ए पी 63 डिग्री का मिल जाएगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके जब ये 63 मिलेगा, आप देख सकते हैं दूसरी साइड का ये एंगल भी इसी के इक्वल है, ये दोनों एंगल का सम कंप्लीट हो जाएगा एंगल क्यू ए आर, और 63 का सम 63 के साथ जब किया जाएगा तो आपको मिलेगा एंगल 126 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन दिस फिगर इफ पी क्यू आर इज द, ये पी क्यू आर आपका टेंजेंट है। आगे लिखा है सर्कल का सेंटर ओ है। ए बी इज अ कोड पैरेलल टू पी आर एंड एंगल बी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री, ये ए बी कोड है जो टेंजेंट पी आर के पैरेलल है, एंड एंगल बी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री, ये आउटर एंगल आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल एंगल, ये आपका 70 डिग्री है, देन एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू बी एंगल, ये कंप्लीट एंगल ए क्यू बी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप देखिए एंगल ओ क्यू आर को देखिए, एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर आपको पता है ओ क्यू आर कम्प्लीट एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री में से आप 70 को माइनस कर दीजिए तो आपको ये एंगल ओ क्यू बी मिल जाएगा, एंगल ओ क्यू बी 90 माइनस 70 विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। नाउ आपको एंगल ए क्यू बी फाइंड करना है, एंगल ए क्यू बी, तो जैसे आप 20 का जस्ट डबल करेंगे, क्योंकि इस साइड का एंगल ओ क्यू बी आपने 20 फाइंड किया है और आप इस साइड का एंगल ओ क्यू ए जो कि इसके एग्जैक्टली इक्वल है, 20 प्लस 20, 20 का डबल करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा 40 डिग्री। तो आप देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 40 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर पैरेलल टू अ सेकंड। तो चलिए देखते हैं, एक सर्कल की पहले एक सेकंड बना लेते हैं। सेकंड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखिएगा कि कोड क्या होता है। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, लेकिन सेकंड एक लाइन होती है। कोड और सेकंड में मेन डिफरेंस यही है दैट कोड इज अ लाइन सेगमेंट बट सेकंड इज अ लाइन। तो ये एक लाइन है जो कि सेकंड है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये बताना है आपको
कि ऐसी और कितनी मैक्सिमम टेंजेंट होंगी इस सर्कल की, ऐसी कितनी टेंजेंट होंगी जो इस सेकंड के पैरेलल होंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा टू। ये दोनों इधर से ये टेंजेंट हो जाएगी, इधर से ये टेंजेंट हो जाएगी, दोनों ही बस मैक्सिमम टेंजेंट ऐसी हो सकती हैं जो इस सेकंड के पैरेलल होंगी। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का टू हो जाएगा। ठीक है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7, रेडियस आपको 7 मिली है, मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 25, ओ क्यू की लेंथ 25 है और आपको लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की। तो चलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम देखते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, ये कोई टेंजेंट आपकी पी क्यू, ठीक है, सर्कल का सेंटर आपका ओ, ओ क्यू को आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपकी हो गई रेडियस ओ पी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है पी क्यू। तो आपको बस कुछ करना नहीं, यहाँ देखिए ये एंगल है आपका 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 625 माइनस 49, आपको मिलेगा 576। और जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपको 576 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 24। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 विल बी 24 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी। तो देखिए कोई सर्कल है, इस सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट बना लीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी हो जाता है, यहाँ एंगल पूरा कंप्लीट एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, सेंटर से इसको जन कीजिए, सेंटर आपका ओ हो गया, एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये 30 ऊपर एंगल हो जाएगा और 30 ही नीचे हो जाएगा। अब आप रेडियस को ज्वाइन कीजिए टेंजेंट से, तो ये एंगल आप जानते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है ये 90 डिग्री का। यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू, अब अगर आप इस पॉइंट को नेम दे देते हैं ए, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ओ ए आपको रेडियस मिली है स्मॉल ए और ओ पी आपको फाइंड करना है, हाफ इक्वल टू ए अपॉन ओ पी। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन ओ पी विल बी इक्वल टू 2a। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2a। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इसका आंसर हो गया है 2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लिखा है इन द गिवन फिगर, आपको अभी फिगर में दिखा दूंगा। इन द गिवन फिगर देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक मीन्स उनका सेंटर सेम है, ओ है। पी आर टी एंड पी क्यू एस आर टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग ऑन द आउटर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है पी, और उस पी पॉइंट से छोटे सर्कल पर इनर सर्कल पर टेंजेंट बनाई गई है। देखिए आउटर सर्कल मीन्स बड़ा सर्कल, लार्जर सर्कल, और उस लार्जर सर्कल के पॉइंट पी से छोटे सर्कल पर, इट मीन्स इनर सर्कल पर दो टेंजेंट बनाई गई हैं पी आर टी एंड पी क्यू एस, ठीक है। और बताया गया है कि पी आर की लेंथ है 5 और आपको फाइंड करनी है लेंथ पी एस की। तो चलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा इस क्वेश्चन का डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा। चलिए उसने बोला था कि पी आर आपके लिए 5 सेंटीमीटर है, ये पी आर 5 सेंटीमीटर। तो बताइए पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस स्मॉलर सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। अगर पी आर 5 है
तो पी क्यू भी 5 होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रही हैं, दोनों की लेंथ सेम है। और अभी आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम इस बड़े सर्कल की कोड पर पी एस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसे बाइसेक कर देगा। इट मीन्स पी क्यू विल बी इक्वल टू पी एस, और अगर इसने इसे बाइसेक किया है पी क्यू विल बी इक्वल टू पी एस, तो ये भी पी एस भी 5 होगा। अब आप इन दोनों का टोटल कर लीजिए और टोटल करते ही आपको 5 + 5 = 10 मिल जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो ये पी क्यू प्लस क्यू एस 5 + 5 = 10 cm इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो आप देख सकते हैं नीचे ओ इस सर्कल का सेंटर है। पी क्यू इज अ कोड, आपको दिख रही है पी क्यू कोड है, ये आपकी पी क्यू कोड हो गई। एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री, सेंटर पर जो एंगल बना है इस कोड का सबटेंडेड एंगल वो 70 डिग्री है। फाइंड एंगल टी पी क्यू, तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। ये एंगल आपको सेंटर पे मिला है 70 डिग्री। आप जानते हैं ये ट्राइंगल आपका है आइसोसेलस ट्राइंगल बिकॉज ऑफ रेडियस, ओ क्यू और ओ पी दोनों रेडियस हैं। अब रेडियस दोनों सेम है, इसका मतलब ट्राइंगल पी ओ क्यू आपका आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया। अब आइसोसेलस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, क्या नाम है इन एंगल्स का, एंगल पी क्यू ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब एक एंगल हमें गिवन है 70, बाकी दोनों सेम हैं, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सेम एंगल्स को हम सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस थर्ड एंगल इज 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो एक्स आपको 55 मिल गया। इट मीन्स जो ये एंगल आपने फाइंड किया पी और क्यू दोनों की वैल्यू 55 और 55 आ गई। आपको फाइनली फाइंड करना है टी पी क्यू। आप जानते हैं कंप्लीट एंगल ये 90 डिग्री का है बिकॉज ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो 90 में से आप ये 55 जो आपने फाइंड किया इसे माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 90 - 55 और आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एंगल टी पी क्यू विल बी इक्वल टू आपका 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है 35 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये आपका एक सर्कल है, इसकी दो पैरेलल टेंजेंट हैं, एक इस साइड में है एक इसके अपोजिट में, यहाँ पैरेलल है, दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं। सेंटर से जॉइन कर दीजिए आप इनके दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को, सेंटर से पास होगा और यही आपका इस सर्कल का डायमीटर भी है। तो बताइए अगर रेडियस 7 है, ये भी रेडियस है हाफ, ये भी 7 है, तो डायमीटर पूरा देखिए कितना होगा, 14 होगा, रेडियस का जस्ट डबल होता है। और आपसे यही डिमांड की गई है कि इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 7 + 7 डेट विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इट इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल क्यू एस आर, देखिए क्यू एस आर एंगल ये है आपका, क्यू एस आर एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपका क्यू एस आर एंगल है, इसे आपको फाइंड करना है। गिवन कौन सा एंगल है आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल आपको दिया गया है 50 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप इस एंगल को फाइंड कीजिए, इस एंगल का नाम है आपका क्यू ओ आर। आप जानते हैं इस क्यू ओ आर और इस एंगल क्यू पी आर इन दोनों का सम है 180 डिग्री। 180 में से आप 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका ये एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब आप 9th क्लास की एक थ्योरम यूज़ कीजिए कि किसी भी सर्कल में किसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो उसी आर्क से पीछे बचे हुए रिमेनिंग सर्कल पर बने एंगल का जस्ट डबल होता है।
सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्किल पर बने एंगल का डबल होता है। तो आप देख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर, अपने डायग्राम में देखिए एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल इस पीछे बने हुए क्यू एस आर एंगल का जस्ट डबल होगा। या आप ये कह सकते हैं कि क्यू एस आर एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ आर। क्यू ओ आर क्यू एस आर का डबल है, या फिर आप ये कहिए कि क्यू एस आर क्यू ओ आर का हाफ होगा। तो 130 का जस्ट हाफ जैसे आप करोगे तो आपको एंगल क्यू एस आर मिल जाएगा 65 डिग्री। दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर ए बी ए सी एंड ए डी आर टेंजेंट्स। आप देख रहे हैं ये ए बी ए सी और ए डी तीनों टेंजेंट्स हैं। इफ ए बी इक्वल टू 5, अब बोला गया है कि ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बताइए ए डी कितनी होगी। तो आप इसको 1 बाई 1 देखिए, ये जो आपका फर्स्ट सर्कल है इस सर्कल पर इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट आ रही हैं, एक ए बी और एक ए सी। और क्योंकि हम थ्योरम जानते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। तो ये अगर 5 है ए बी तो ए सी भी होगी आपकी 5। और सेम टू सेम आप यही थ्योरम इस सेकंड सर्कल पर अप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी इस सेकंड सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट ए से आपकी टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं ए सी और ए डी, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी ए सी और ए डी की। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो गया, ए डी इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।